हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोग काफी कुछ बात कर चुके हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। तो मैं ये कहूंगा कि इससे पहले कि हम लोग क्लास की शुरुआत करें, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए, मतलब 2-3 मिनट के लिए, आप शुरुआत से जरा एक बार लाइन से नोटबुक में लिखी हुई चीजों को पढ़ लें एक बार अच्छे से। ऑलराइट, आई होप आप पढ़ लिए। तो हम लोगों ने जो अभी तक क्लासरूम में सीखा है वो ये सब है कि सबसे पहले चार्जेस, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। उसके आगे हम लोगों ने सीखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में एटसेट्रा, और उसके तुरंत बाद फिर इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल्स आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, यानी कूलॉम्स लॉ सीखे। कूलॉम्स लॉ में ही स्केलर फॉर्म अलग से सीखे, उसी का वेक्टर फॉर्म अलग से सीखे हम लोग। वेक्टर फॉर्म पर क्वेश्चंस भी किए, स्केलर फॉर्म पर भी क्वेश्चंस किए। फिर आया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने सीखा कि किसी एक चार्ज पर एक से ज्यादा चार्जेस मिलके कुल मिला के किस तरह से फोर्सेस अप्लाई करते हैं और किस तरह से वेक्टर्स का सही यूज करके हम लोग सही आंसर तक पहुंचते हैं। हालांकि हम लोग इस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे, एक बार अच्छे से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सीख तो लें पहले। ठीक, आई होप इसी दौरान आपने जो बुकलेट में दिया हुआ हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 को सभी ने स्ट्रिक्टली एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उसके शुरुआत में लिखे हुए थियोरी को एकदम थॉरली पढ़ लीजिए। अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सभी से 40 क्वेश्चंस हो ही जाने चाहिए थे अभी तक। अच्छा, इसके एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सीखे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग पॉइंट चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सीख चुके थे। अब हम लोग आज के क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे होंगे, और क्वेश्चन करने का मतलब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा, आपको नोटबुक में ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है, और मतलब अटेम्प्ट नहीं, उसको सॉल्व कर डालना है। आपको सब कुछ आता है, 11th में सिखाया हुआ काफी कुछ है, शायद अभी तक कुछ बचा होगा। तो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन लिखो डायरेक्टली, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अच्छा, आराम से लेट के वीडियो अगर देख रहे हो तो वीडियो को बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है इस तरह से पढ़ाई करने का। आप अच्छे से टेबल चेयर पर और नोटबुक लेके, पेन लेके, बस इसी तरह से बैठिए। कोई बुक की आपको अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं बताऊंगा। ऑल राइट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, देखो क्या। अच्छा, हम लोग क्लास में एक चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं, दो चार्ज के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ और ही सिचुएशन है। इस बार लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में यूनिफॉर्मली, लिख दो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। यह है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, और इसके वजह से हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, अभी बताता हूं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड का मतलब क्या हुआ, हमने एक चार्ज के वजह से कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चार्ज के वजह से, लेकिन यहां सिचुएशन कुछ और ही है। यहां सिचुएशन यह है कि पूरे रॉड में चार्ज फैला हुआ है, कहां पर है ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि मास होता है ना, एक पॉइंट मास है, दो पॉइंट मास है, यहां पर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस ऑल अरेंज्ड टुगेदर इन अ लाइन। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर चार्जेस हैं, यहाँ पर चार्जेस पूरे में इस तरह से फैले हुए हैं। अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर तुम 1 मिलीमीटर कंसिडर कर लेते हो और यहाँ पर तुम अगर 1 मिलीमीटर कंसिडर कर लेते हो, तो चाहे 1 मिलीमीटर तुम इधर कंसिडर करो चाहे इधर कंसिडर करो, जो बीच में चार्ज घेर पाओगे तुम, उतने से रीजन में जितना चार्ज होगा वो 1 मिलीमीटर यहां कंसिडर करो तो भी उतना ही चार्ज होगा, यहां कंसिडर करो तो भी उतना ही चार्ज होगा। यही मतलब है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड का। अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होता तो हो सकता था कि इधर ज्यादा ज्यादा चार्ज है, इधर कम कम चार्ज है, इधर चार्ज ही नहीं है, ऐसा हो सकता था। खैर, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए सिंप्लीफाइड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। अच्छा, नेक्स्ट बात फिर इसी में कि चार्ज टोटल जो है वो है क्यू, और टोटल लेंथ जो दिया हुआ है वो है एल, मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ एल दिया हुआ है क्वेश्चन में।
इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर कैलकुलेट किस जगह पर करना है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है इस पॉइंट पी पर, और ये पॉइंट पी यहां से डी डिस्टेंस की दूरी पर है। तो वीडियो को रोक दो, पी पॉइंट पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आंसर तक पहुंचे रहो। ऑलराइट, तो आई होप आपने कर लिया। आप सभी ये समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन, सबसे पहले ये किस तरह का क्वेश्चन है, क्या यूज होगा इसमें, तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हमें इसमें यूज इसलिए करना है क्योंकि यहां पर ढेर सारे चार्जेस हैं और ढेर सारे चार्जेस के इफेक्ट्स को यहां पर आपको ऐड करना है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के एडिशन का ही तो दूसरा नाम है इंटीग्रेशन। परफेक्ट, तो इंटीग्रेशन करने का तरीका आपको याद होगा, सबसे पहला स्टेप, डरना नहीं है आपको, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मतलब सबसे इजी क्वेश्चन। दूसरा स्टेप, एक्स के बाद डीएक्स लेना है, तो एक्स के बाद डीएक्स इधर से कोई ले सकता है, एक्स के बाद डीएक्स उधर से ले सकता है। अब किधर से लेना ज्यादा सही रहेगा वो एक्सपीरियंस से पता चलेगा, जो कि मेरे पास थोड़ा सा है। तो इस साइड से एक्स कंसिडर कर लिया जाए तो कूलॉम्स लॉ लिखना थोड़ा सा सरल होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से एक्स डिस्टेंस ले लिए जाने के बाद इतने से लेंथ को मैं नाम दे दिया dx, इतने से लेंथ को नाम दे दिया गया dx। अब ये जो लेंथ dx है, सिर्फ यही तुम्हें दिखाई देना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, यही सिंपल सा रूल है। इतने से पोर्शन मात्र के वजह से इस पॉइंट P पर आपको कैलकुलेट कर लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रखा जाएगा E नहीं, DE। तो DE का वैल्यू हुआ, चलिए लिखते हैं, तो K वो कांस्टेंट, इसके अलावा अभी क्लासरूम में होते तो सबसे मैं पूछ रहा होता कि यहां पर क्या लिखूं, लेकिन चलो आई होप आप सही से लिख लिए होंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा चार्ज, ये वाला इतने से पोर्शन में मौजूद चार्ज, और डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस रहेगा भाई एक्स स्क्वायर, नो डाउट। अच्छा, इंटीग्रेशन इजी रहे इसी के लिए मैं इधर से एक्स लिया था, ताकि यहां पर एक सिंपल सा चीज लिखा हुआ रहे। अगर तुम इधर से लिए होते तो तुमको ये वाला डिस्टेंस लिखने के लिए डी प्लस एक्स या एटसेट्रा, डी माइनस एक्स, एल प्लस डी माइनस एक्स, कुछ ना कुछ ऐसा लिखना पड़ता जिसका इंटीग्रेशन हो सकता था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। क्या तो यहां पर अभी भी लिखना बाकी है, तो यहां पर लिखना क्या है, तो ये वाले चार्ज का अमाउंट को यहां पर बस आपको मेंशन कर देना। तो पूरे में चार्ज कैपिटल Q, यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरे में बराबर बराबर फैला हुआ है, और टोटल है Q, टोटल चार्ज लेंथ में फैला हुआ है L लेंथ में। तो dQ का वैल्यू लिखा जा सकता है, यानी इस छोटे से पोर्शन में मौजूद चार्ज का अमाउंट लिखा जा सकता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई dx। तो इस चीज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए, इंटीग्रेट करिए, आंसर निकालिए। ठीक, अगर अभी तक नहीं किए हुए हो फिर भी मुझसे पहले आंसर होना ही चाहिए तुम्हारे पास। चलिए फाइनली आंसर मैं पहुंचा रहा हूं, DE विल बी इक्वल टू K टाइम्स कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L, ये सब कॉन्स्टेंट्स अलग हो गए, और dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का अब इंटीग्रेशन कर देना है हमें, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर देखो, यहां जगह नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान से समझिएगा इस बात को। इस एलिमेंट के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन P पॉइंट पर इस तरफ होगा। ठीक, अच्छा कोई दूसरा एलिमेंट अगर ले लिया जाए, यहां पर मान लो एक दूसरा एलिमेंट, एलिमेंट मतलब छोटा सा पोर्शन, यहां पर एक छोटा सा पोर्शन अगर ले लिया जाए तो इस छोटे से पोर्शन के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में होनी है। कोई दूसरा एलिमेंट अगर इस साइड में कंसिडर कर लिया गया होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी डायरेक्शन में होना है। तो ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, इस वजह से उनका वेक्टर सम करो चाहे स्केलर सम करो, आंसर सेम आएगा। तो इसलिए हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर बस मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर रहे हैं। ध्यान रहे, हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल के क्यों ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर हम लोग स्केलर क्वांटिटी का वैल्यू निकाल के ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी निकाले हुए इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है।
इस क्वेश्चन का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इस जो मैं बात बोल रहा हूँ उस बात का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन अगले क्वेश्चंस में उसका रोल शायद हो सकता है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू 0 से लेके ई तक और इंटीग्रेशन का लिमिट सोच लो। शुरुआत हुआ एक्स का यहां से एक्स की शुरुआत हुई, यहां पर एक्स खत्म हुआ, तो यानी स्मॉल डी से शुरू करके पहुंचाना है इसे डी प्लस एल तक, और 1/x² का इंटीग्रेशन बना, 1/x² का इंटीग्रेशन बना माइनस ऑफ 1/x, x^-2 लिखा हुआ था ये, तो आप फॉर्मूला लगाइए। तो फाइनल आंसर लिमिट वगैरह सबको सब्स्टिट्यूट कर दिए जाने के बाद के टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एल तो रहेगा ही, और ब्रैकेट में यहां पर रहना है हमारे पास क्या, 1/d-1/d+l, चूंकि माइनस भी एक एक्स्ट्रा आएगा वो मैनेज हो जाएगा, 1/d-1/d+l। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। हाँ तो न्यूमरेटर में एक l आ जाएगा, l के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट बनेगा, देखो क्या फाइनल रिजल्ट बना हमारे पास, l तो कैंसल्ड है, स्मॉल d ब्रैकेट में l+d, न्यूमरेटर में मुझे लगता है l कैंसिल ही हो गया, यही फाइनल आंसर। चेक करते हैं डायमेंशनली सही है कि नहीं। तो k अलग से रहता है, 4 यहाँ होना चाहिए था और डिस्टेंसेस का स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए, तो ये एक डिस्टेंस, ये ब्रैकेट वाला भी एक डिस्टेंस, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो यही आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। चलिए जरा 1 मिनट रुक के हम लोग इस आंसर को ऑब्जर्व कर लिए, ऑब्जर्व कर लिया जाए, ऑब्जर्व भी करेंगे ऑब्जर्व भी करेंगे। देखो क्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया अभी भी, ये अगर कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से फाइनली पॉइंट पी पर पहुंचे हम लोग, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लेंथ माना गया था एल, ये डिस्टेंस माना गया था डी, याद रखना ये लेंथ है एल और ये वाला डिस्टेंस है डी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट किया के टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई डी डी प्लस एल, यही फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो यहां पर क्या है ऑब्जर्व करने के लिए, वही बात पहले भी बात कर चुके थे हम लोग, पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किया हूं। माना कि स्मॉल एल काफी कम है कैपिटल डी के कंपैरिजन में, स्मॉल डी के कंपैरिजन में, ये एल का वैल्यू बहुत छोटा है और स्मॉल डी अच्छा खासा ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन चार्ज है, ये जो रॉड है, इसकी लंबाई काफी कम है, ये एक छोटा सा यहां पर ऐसे करके एक रॉड, और इसके वजह से काफी दूरी में हम लोग देख रहे हैं अगर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते समय ऐसा बिहेवियर आना ही चाहिए था कि भाई जैसे कि ये एक पॉइंट चार्ज है। फॉर्मूले में देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं ऐसा, अगर कैपिटल एल काफी कम हो जाए स्मॉल डी के कंपैरिजन में, तो कैपिटल एल को हटा दो, फिर केवल स्मॉल डी ही बचा यहां पर। अब यहां पर लिखा हुआ है मान लो कि 4000 और यहां पर लिखा हुआ है 1, तो 4000 लिखो चाहे 4001 लिखो, लगभग वो 4000 ही है, तो इस वजह से ये स्मॉल डी को स्मॉल डी ही रहने दो, तो स्मॉल डी ये और स्मॉल डी ये, तो स्मॉल डी का स्क्वायर एग्जैक्ट कूलॉम्स लॉ वाला पॉइंट चार्ज के वजह से रिजल्ट आया ही, आना भी चाहिए था। चलिए सेकेंड पार्ट, अब आगे हो सकता है क्वेश्चंस में आपको खुद से चीजों को ऑब्जर्व करना पड़े, वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, वो अगर आप गलत आंसर निकाले होंगे तो आपको वो तुरंत बता भी देगा कि भाई ये गलत है, कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है, और कई बार क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए हुए भी आपको आंसर तक पहुंचवा सकता है ये, इस तरह से सोचना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको फिजिक्स सिखा देता है। क्या सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा हूं, एकदम अच्छे से सभी अटेम्प्ट करेंगे। देखिए सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, और इसमें ठीक वैसे ही चार्ज को इस तरह से कर दिया गया डिस्ट्रीब्यूट,
दोबारा से टोटल चार्ज का वैल्यू कैपिटल क्यू, और ये रेडियस आर। पॉइंट पी कहां पर, तो पॉइंट पी ये आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। वीडियो को पॉज करो और एकदम अच्छे से फाइनल आंसर तक पहुंच जाओ, उसके बाद ही वीडियो को रिज्यूम करना। ऑलराइट, आई होप आप सभी कर सके। चलिए मैं थोड़ा सा बात बता रहा हूं और उसके बाद फिर अगर आपने गलत किया होगा उसको फिर करेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर से आप सॉल्व करेंगे अगर गलत हुआ होगा तब। खैर, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक सिंगल स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स सब के सब सेम डायरेक्शन में नहीं हुए तो आपको वेक्टर्स का यूज करना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीखने वाले हैं इस सेकेंड पार्ट में। देखिए, तुम खुद इमेजिन करो कि यहां पर कोई एक चार्ज है छोटा सा, इतने से पोर्शन में एक छोटा सा चार्ज है, इतने से पोर्शन के वजह से इतने से पोर्शन में जो भी चार्ज मौजूद है, नाम रख दिए इसका DQ। इस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा वो इस डायरेक्शन में आया होगा, ठीक। यहां पर मौजूद चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में आया होगा, यहां पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहां पर मौजूद चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में आया होगा, एटसेट्रा। तो मुझे सीधी बात ये बताओ कि क्या सभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा भी हुआ होगा कि इस वाले चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेट हुआ होगा, इस वाले चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेट हुआ होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल भी हुए होंगे। तो सीधे सीधे सारे मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देना ये पूरी तरह से गलत होगा। अब कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। एक बार अगर आपने गलत किया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से सिंसियरली एकदम अच्छे से सॉल्व जरूर कर लीजिए, उसके बाद ही आप देखें सॉल्यूशन को। गलत होगा फिर भी कोई बात नहीं। चलिए, आई होप आप सभी अपना बेस्ट अटेम्प्ट कम से कम दे चुके हैं। अब क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर तक पहुंचा रहा हूं भाई। इंटीग्रेशन यूज होना है वेक्टर्स के साथ, तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, ये था यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई बात नहीं, इसमें ये यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है। मैं पूरे में पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा नहीं, लेकिन है चार्ज पूरे में। आप क्या करेंगे, मैं पहले बता चुका हूं आपको, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप ही सभी लोग फॉलो नहीं करते। ज्यादातर बच्चों को यही लगता है कि भाई ये इंटीग्रेशन है, हमसे होगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब फ्री का नंबर मिल रहा होता है। तो देखिए, पहला स्टेप डरना नहीं है और यह मजाक वाली बात नहीं है। इसके आगे सेकंड स्टेप कि x के बाद dx, तो यहां पर x के बाद dx लेने के बजाय क्या लेंगे, थीटा के बाद d थीटा। थीटा ले लिए और इसके बाद यहां पर छोटा सा एंगल जो बचा, यह एंगल कंसिडर किया गया थीटा, d थीटा। अच्छा, ये लेंथ तो कितना हुआ बता सकते हो क्या? लेंथ मतलब यहां पर का लेंथ नहीं, ये वाला लेंथ, इतना सा जो लेंथ है ये लेंथ कितना हुआ? दिस लेंथ विल बी इक्वल टू आर डी थीटा। बेसिक बात है, ये लेंथ हो गया आर डी थीटा, परफेक्ट। इस छोटे से जगह में जो चार्ज मौजूद है उस चार्ज का मैं नाम रख रहा हूं डी क्यू, और वो डी क्यू का वैल्यू पहले अलग से लिख लिया जाए। हम लोग DQ का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो DQ का वैल्यू वही पुराना कंसेप्ट, चार्ज पर यूनिट लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यह सब तभी किया जा सकता है जब यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, याद रखना। तो DQ का चार्ज कितना होगा, तो कैपिटल Q का चार्ज तो पूरे में फैला हुआ था, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बना कितना, तो कैपिटल Q डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स R, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ लिख दिए। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये छोटा सा लेंथ लिखा हुआ था R इंटू डी थीटा, तो ये R गॉट कैंसल्ड। फाइनली वी हैव, और एल्स वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट लाइक चार्ज पर यूनिट एंगल एंड देन मल्टीप्लाइड बाई एंगल।
ये हो गया डी क्यू का वैल्यू। अच्छा, इस डी क्यू के वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई पी पॉइंट यहाँ था ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम हम लोग ई नहीं डी ई लिखते हैं, और डी ई का वैल्यू, चलो सब्सटीट्यूट कर दें, डी ई का वैल्यू, डी ई का वैल्यू वही कूलॉम्स लॉ। देखो कूलॉम्स लॉ क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन तो एक पॉइंट ही है, तो इस सिर्फ पॉइंट मात्र के वजह से मौजूद पी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई का वैल्यू बड़े आसानी से लिखा जा सकता है, डी ई विल बी इक्वल टू के टाइम्स डी क्यू, डी क्यू ये रहा, डिवाइडेड बाई, अब ये वाला डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये डी ई हो गया। क्या करें, इंटीग्रेट कर दें? इंटीग्रेट करने से पूरा गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक स्केलर नंबर है, ये एक 2, 3, 7 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और उन सभी वैल्यूज को अगर आप केवल ऐड कर देते हो तो आप गलत आंसर तक पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स अलग अलग डायरेक्शन में है। तो नोटबुक में आप इस बात को मेंशन जरूर करिए कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड्स, रुक जाओ, सिंस इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस एट पॉइंट पी, वी मस्ट यूज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स टू गेट द आंसर। ऑलराइट, सो अब वेक्टर फॉर्म में कैसे एडिशन किया जाता है? तो वेक्टर्स में ऐड करने का कई तरीका है। अगर एक दो चीज रहेगा तब तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा वाला। लेकिन अगर बहुत ज्यादा संख्या में वेक्टर्स होंगे, यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में वेक्टर्स हैं, तो आपके पास एक ही उपाय बचता है। आपके पास ये उपाय है कि आप क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। याद आ रहा है कुछ? धुंधला धुंधला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे। मैं कंपोनेंट वाले एरो को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये दूसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस वाले कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट तो भाई हमेशा ही इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये वाले कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, ये वाले कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जरा एक्स और वाई एक्सिस को डिसाइड कर लिया जाए। इस एक्सिस का नाम रखा हूं एक्स एक्सिस, इस एक्सिस का नाम रखा वाई एक्सिस। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर ही होना चाहिए वाई एक्सिस। खैर, इतना कर लेने के बाद इस इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई को मैं नाम रख देता हूं डी ई वाई, और ये रहेगा डी ई एक्स। तो अभी पूरा सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन तुम खुद सोचो पहले कि अलग अलग चार्जेस के वजह से, अलग अलग चार्जेस के वजह से जो मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, जो मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे होने चाहिए? एक तो ये यहां पर जो चार्ज रहा होगा उसके वजह से ऐसे, है ना, यहां पर जो चार्ज रहा होगा उसके वजह से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर एकदम एक्सट्रीम में जो चार्ज रहा होगा उसके वजह से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे करके एरोज बने हुए हैं यहां पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, डायग्राम खराब हो जाएगा, बस इमेजिन कर लो एक बार पहले से ही। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इन सभी डायरेक्शंस में डीई डीई पूरी तरह से फैले हुए हैं ऐसे करके, और इन सभी का आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, किसी एक का वैल्यू लिखा, उसका एक्स कंपोनेंट देख रहे हैं, वाई कंपोनेंट देख रहे हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक, तो मैं ये बोल रहा था कि तुम अंदाजे से बताओ कि एक्स कंपोनेंट पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा कि वाई कंपोनेंट पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सोचे रहना, हम लोग आंसर में देखेंगे, और कैलकुलेट सभी को करना है दोनों कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट डीई एक्स कैन बी रिटन एज, ये डीई हम लोग अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, तो डीई का एक्स कंपोनेंट, अच्छा ये एंगल जो है वही वाला एंगल तो यहां पर भी है थीटा, तो बताओ डीई एक्स क्या बना, डीई थीटा के नजदीक वाला कंपोनेंट, यानी कि डीई कॉस थीटा। परफेक्ट, डीई कॉस थीटा। और दूसरी बात, डीई का वाई कंपोनेंट ये क्या बना, तो डीई, मुझे लगता है डीई साइन थीटा, जितना ये होगा उतना ही तो ये भी होगा, तो डीई साइन थीटा ये बना। अच्छा, बाय द वे डीई का वैल्यू क्या लिख रखे थे हम लोग, डीई का मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड जो डीक्यू के वजह से आया हुआ एग्जैक्ट,
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, वो के टाइम्स डी क्यू लिखा था ना यहाँ पर न्यूमरेटर में, ठीक। तो डी क्यू के वजह से कैपिटल क्यू इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई, और उसके बाद आर स्क्वायर अलग से है। तो ये तीन रहे इक्वेशंस, आपको पता है कि क्या करना है। इन तीन इक्वेशंस को हैंडल करो, फाइनल आंसर तक पहुंचा दो। चलिए, तो डी ई एक्स का वैल्यू जो लिखा हुआ था वो बना हमारे पास के टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर्ड। इसके आगे डी ई एक्स लिख रहे हैं हम लोग कॉस थीटा डी थीटा, समझ गए। बस चीजों को सब्स्टिट्यूट किए हैं हम लोग, ये डी ई को यहां पर ले जाके मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका इंटीग्रेशन करना है, अब डायग्राम तो मैं हटा दिया, आप ये सोच लो कि कहां से कहां तक लिमिट रहेगा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन को करना था, थीटा इधर से मान रहे थे, थीटा इस डायरेक्शन से गिन रहे थे, थीटा ऐसे करके घुमा हुआ था, ये एंगल को थीटा गिने हुए थे। अब जो एलिमेंट्स हैं वो कहां से कहां तक फैले हुए हैं, थीटा इक्वल टू जीरो से शुरू करके थीटा इक्वल टू पाई तक, तो जीरो से लेके पाई, यही सोच लेना। अगर सेमी रिंग के बजाय एक केवल क्वाड्रेंट ही होता, मात्र अगर केवल क्वाड्रेंट मात्र ही होता, तो ऐसे केस में यही इंटीग्रेशन जीरो से पाई के बजाय जीरो से पाई बाई टू तक गया होता। खैर, तो डी ई का एक्स कंपोनेंट आई होप कि कर लेंगे आप, लेकिन करने का तरीका समझ लो ताकि लंबे समय तक टिका रहे। थीटा के साथ कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, तो जीरो से लेके पाई तक का एरिया जीरो आना है। नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा के साइन थीटा साइन थीटा, तो के कैपिटल क्यू पाई आर स्क्वायर्ड, उसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा में एक बार सब्स्टिट्यूट करो जीरो, एक बार पाई, दोनों को आपस में घटा दो, आंसर जीरो। खैर, ये हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट हुआ, देखो यहां पर साइन थीटा आ जाना है। दोबारा से देखिए साइन थीटा का ग्राफ कैसा, साइन थीटा का ग्राफ थीटा के साथ ऐसे ऐसे करके वैरी करता है, ये रहा पाई। हमें इस बार इंटीग्रेशन में पता करना है ये वाला एरिया है कि नहीं, तो ये वाला एरिया आएगा कितना, तो हमें ये पता है कि इतना सा एरिया होता है वन यूनिट के बराबर में, तो ये वाला टोटल एरिया टू आना है, आना ही है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इंटीग्रेट कर दिए k टाइम्स कैपिटल q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर्ड। यहां पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा बना, माइनस कॉस थीटा में सब्स्टिट्यूट करो एक बार जीरो एक बार पाई, जब पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस वन तो ये बना देगा प्लस वन, उसके बाद फिर से माइनस, उसके बाद फिर से माइनस वन, तो फाइनली ये टू आ गया जो कि आना ही था, एरिया से दिखाया था। तो फाइनल आंसर ये y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश। जो रिजल्ट आया उसे ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर इस रिजल्ट का मतलब क्या है। देखिए, हमारे पास एक इस तरह से बना हुआ सेमी रिंग था और इस सेमी रिंग पर इस तरह से यूनिफॉर्मली फैला हुआ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा याद किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए आपको यह समझना होगा कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। मतलब यह है कि यहां पर अगर कोई चार्ज, सैंपल चार्ज अगर रखा जाता है, तो सैंपल पर लगने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा। तो यह तो कोई भी देख के बता सकता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं भी आए वो भी बता सकता है कि यह सब के सब अगर इस चार्ज को धक्का लगाएंगे, पुश करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये वाला चार्ज बेचारा जाएगा किधर, तो ये न तो इस साइड जाएगा न तो इस साइड जाएगा, क्योंकि इधर पुश करने वाले लोग, इधर पुश करने वाले लोग बराबर हैं,
और इधर सबके सब कुछ करना ही चाहते हैं, तो ये फाइनली जाएगा इधर। यही कारण है कि वाई कंपोनेंट कुछ ना कुछ आया जबकि एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो गया। तो अब इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपको बुकलेट में इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 और 3 में मिल जाएंगे। एग्जांपल्स में ढेरों क्वेश्चन दिया हूं, तो आप सभी को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का। यहां पर मैं ऐसे क्वेश्चंस को चूज करके डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें नोटबुक में। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है ये, अगर मान लिया जाए कि केवल एक क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट मात्र के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करिए पी पॉइंट पर, तो नहीं कर लोगे क्या? थीटा के बाद डी थीटा लेके बस इंटीग्रेशन का लिमिट बदल जाएगा, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से लेके π/2 तक सेट हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का पार्ट चेंज हुआ। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिखिए, पहले वीडियो को पॉज कर लो और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कोई भी डाउट हो तो अपने आप से डील कर लो अभी फिलहाल, ठीक है? बुकलेट की हेल्प लेके आप सारा कुछ सीख सकते हैं, उसमें ढेरों इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एग्जांपल्स एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्या तो थर्ड पार्ट में हम लोग एंटर करते हैं। लिख दो, ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस, पहले जरा डायग्राम को समझा जाए कि आखिर है क्या। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। अच्छा, इसका इस रिंग का ये कहलाएगा एक्सिस। थोड़ा सा डायग्राम 3 डायमेंशंस में है, आपको दिमाग को खुला रखना होगा। तो रिंग कैसे है? रिंग एक्चुअली ऐसे करके है, रिंग ये है रिंग, और इस रिंग के वजह से आपको पता करना है सेंटर के अलोंग ऐसे करके परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग ऐसे करके ट्रेवल कर लिए, तो ये कहलाएगा एक्सिस। ये रिंग ना ऐसे करके है, बस ये याद रखो, और सेंटर में इस डायरेक्शन में हम लोग चलते चले गए। ये बना पॉइंट P, और इस P पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी रुके रहो, बस वेरिएबल्स में दे दूं कि क्या क्या है, उसके बाद आप खुद से ही करेंगे इसे। कैपिटल Q का टोटल चार्ज, और ये जो रेडियस दिया हुआ है वो रेडियस है कैपिटल R। रिंग के लिए चार्ज Q, रेडियस R, यही लिख दिए। अच्छा, उसके बाद कितने डिस्टेंस पर हमें पता करना है, तो ये रहा डिस्टेंस, डिस्टेंस x। डिस्टेंस x के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। लेकिन जो कुछ भी आंसर आएगा उस आंसर में, तुम खुद सोचो, उस आंसर में अगर हम लोग r को टेंडिंग टू जीरो सेट कर दें, मतलब छोटा सा रिंग मान लें, बहुत ही छोटा सा रिंग है और x अच्छा खासा ज्यादा है, तो ऐसे केस में यह दोबारा से कन्वर्ट हो ही जाना चाहिए था कूलॉम्स लॉ में, और कूलॉम्स लॉ में फाइनल आंसर क्या आना चाहिए था? अगर r बहुत छोटा है तो हमें पॉइंट P से नजर आना चाहिए कि ये एक पॉइंट चार्ज है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मात्र इतना सा आना चाहिए, डिस्टेंस तो x रहेगा ना, इतना सा आंसर आ जाना चाहिए लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद कि भाई एक बहुत ज्यादा है एक बहुत कम है। तो सॉल्व करिए और क्या। चलिए मैं भी अटेम्प्ट करता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जरा एक स्टेप में हम लोग डायरेक्शन वगैरह के बारे में देख लेंगे और क्या प्लानिंग रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो समझ लेंगे। अगर तुम गलत किए होगे तो उसको फिर से सही कर लेना मुझसे पहले। सॉल्व करते हैं। ये रहा पॉइंट P, और P पॉइंट पर हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई एक छोटा सा चार्ज dQ यहां पर अगर कंसिडर कर लें, जो कि टॉप मोस्ट चार्ज है, टॉप मोस्ट चार्ज के वजह से, सबसे ऊपर वाले चार्ज के वजह से इस खास जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहेगा DE, यही माना करते हैं हम लोग, DE, परफेक्ट। अच्छा, एक बार बॉटम मोस्ट चार्ज के वजह से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके रहेगा,
अब इसी तरह से थोड़ा सा इमेजिनेशन है यहां पर, इसी तरह से यहां पर जो पूरा कंप्लीट रिंग बना हुआ है ऐसे, ठीक, इस रिंग के वजह से अलग अलग एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और पी पॉइंट पर अलग अलग एलिमेंट्स अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैं बता चुका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बता चुका। अच्छा, और आप शायद इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये इमेजिनेशन करना होगा आपको, मैं यहां पर मॉडल से समझा सकता हूं, लेकिन दिमाग को इतना कसरत करने लायक होना चाहिए कि आप इस बात को कम से कम समझ सकें। यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इस डायरेक्शन में, तो बाकी सभी एलिमेंट्स के वजह से ऐसे करके कोन के जैसा बना हुआ होगा यहां पर, ठीक है। सब के सब रिंग के एलिमेंट्स, यहां पर जो रिंग बना हुआ है वो सब के सब रिंग के एलिमेंट्स ऐसे कर करके फोर्स लगा रहे होंगे यहां पर, ठीक, ये दोनों ऐसे करके फोर्स लगाए होंगे। अच्छा, यहां पर जो रिंग बना हुआ है टॉप वाले, दोनों टॉप वाले और बॉटम वाले, ये दोनों ऐसे करके फोर्स लगाए होंगे, वही मैं दिखा भी दिया डायग्राम में। तो आप ये इमेजिन करें अच्छे से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग डायग्राम होगा वो ऐसे करके होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में सेट रहा होगा, ठीक। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स सेम डायरेक्शन में हैं? तो सेम डायरेक्शन में तो नहीं है, सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स अलग अलग डायरेक्शंस में होने की वजह से हमें स्केलर सम से काम नहीं चलने वाला है, वेक्टर सम के पास जाना होगा। अब वेक्टर सम से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो, बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए हम लोग डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि अगर यहां पर कोई चार्ज है स्मॉल क्यू और उस पर सब के सब कोन के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं अलग अलग, सब के सब मतलब कौन, ये वाले सब के सब, तो ये सब के सब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस डायरेक्शन में ऐसे करके फोर्सेस चारों तरफ से लगा रहे हैं ऐसे करके, हाँ ये परफेक्ट है, ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, तो आखिर ये चार्ज के पास क्या ऑप्शन है, ये चार्ज ऊपर जाएगा क्या? नहीं, ऊपर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जितने ऊपर की तरफ लगाने वाले फोर्सेस हैं उतने ही नीचे की तरफ लगाने वाले फोर्सेस भी हैं, समझ पाए होगे मेरी बात, ठीक। तो क्या ये बोर्ड के बाहर इस डायरेक्शन में आ रहा होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बोर्ड के बाहर की तरफ जितने सारे एरोज मिलेंगे आपको फोर्स लगाने वाले, उतने ही सारे बोर्ड के पीछे की तरफ भी मिलेंगे। तो आखिर ये पी पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज पार्टिकल क्यू जाएगा किधर? तो इस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो हम लोग चालाकी से करेंगे क्या इस बार, कि डीई तो लिखे हम लोग, लेकिन डीई के दो कंपोनेंट्स या तीन कंपोनेंट्स देखेंगे ही नहीं, हम लोग सिर्फ उसी कंपोनेंट को लिख के ऐड करेंगे, हम लोग सिर्फ उसी कंपोनेंट को लिख के ऐड करेंगे जिसका आंसर नॉन जीरो आने वाला है। तो क्या कोई बाकी कंपोनेंट को भी सॉल्व करेगा तो गलत हो जाएगा क्या क्वेश्चन? नहीं, उसका आंसर जीरो आएगा। ये वाला कंपोनेंट अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर ऊपर में जितने सारे एरोज हैं उतने ही तो नीचे भी एरोज हैं, तो इस कारण से ये वाले कंपोनेंट्स और ये वाले कंपोनेंट्स, यानी वाई एक्सिस, इसे मानो ना, वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन जीरो ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो कोई कारण नहीं है कि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आए। अच्छा, जेड एक्सिस अगर बाहर की तरफ, जेड एक्सिस अगर बाहर के तरफ, तो जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो रिमेन जीरो बिकॉज इक्वल नंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड द नेगेटिव जेड एक्सिस। लेकिन जितने भी सब के सब डीई हैं वो सब के सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही रखे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक भी एरो नहीं है जिसका कि कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए, तो इस कारण से फाइनल आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के ही अलोंग आना ही चाहिए। तो अब अभी तक अगर नहीं निकाले हो तो मुझसे पहले कर दो, हम लोग यहां चलिए सॉल्व करते हैं। अब तो डीई निकालेंगे पहले, और उसके बाद डीई कॉस थीटा निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके जो भी आंसर आएगा वही बोलेंगे कि एक्स एक्सिस में इतना ही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस एक्स है याद रखना। तो डीई का सबसे पहले वैल्यू, डीई का वैल्यू लिखने के लिए के टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय, अब एक्स स्क्वायर लिख दें क्योंकि एक्स पर रखा हुआ रिंग है, रिंग कहाँ रखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, रिंग का सेंटर कहाँ है इससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इसलिए क्योंकि डीई अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो मुझे रिंग दिखाई ही नहीं दे रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस रिंग का एक छोटा सा कंपोनेंट, सॉरी कंपोनेंट नहीं, एलिमेंट,
एक छोटा सा पार्ट। तो ये छोटे से पार्ट का कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट पी से, ये हमें मेंशन करना होगा कूलम्स लॉ में। मुझे तो पूरा रिंग नजर ही नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ इतना सा पोर्शन नजर आ रहा है और उसका वैल्यू है आर स्क्वायर की एक्स स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या स्क्वायर रूट छूट गया? तो भाई स्क्वायर रूट है तो होल स्क्वायर भी तो है, तो दोनों आपस में मैनेज हो गए। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत लिखा हूं अभी भी, ये क्यू कहां से आ जाएगा? क्यू तो पूरे रिंग पर, पूरे रिंग पर का चार्ज नहीं, मात्र इतने से छोटे से पोर्शन का चार्ज, अभी फिलहाल डी क्यू लिख दिया मैं उसे। डी क्यू का वैल्यू अलग से सोच समझ के लिखा जा सकता है, डी क्यू का वैल्यू लिख देता हूं, चलो इस लाइन का जरूरत नहीं है। डी क्यू का वैल्यू लिखा जा सकता है, देखो डी क्यू विल बी इक्वल टू क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि पूरे लेंथ में फैला हुआ चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ये छोटा सा लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई आर, और ये छोटा सा लेंथ, इस छोटे सा लेंथ का कुछ भी नाम रख दो, डी एल रख दिया नाम, कंफ्यूज मत होना, ये छोटा सा लेंथ, इस छोटे से लेंथ का नाम रख दिया मैं डी एल, ये स्मॉल एल है और ये कैपिटल एल है, ठीक। तो यहां पर डी क्यू का वैल्यू जरूरत पड़ने पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जरूरत अभी ही है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या बच जाएगा 2 पाई आर यहां पर और साथ में यहां पर डी एल। अब डी को इंटीग्रेट करना पूरी तरह से गलत है, डी को इंटीग्रेट करना ही नहीं है, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। अब कॉस थीटा कहां से लिखें, एक तो डी एल यहां पर लिखा हुआ, ऊपर से एक्स यहां पर लिखा हुआ, अब आने वाला है कॉस थीटा, तो पहले लिखें तो सही कि क्या चीज को इंटीग्रेट करना है। अब कॉस थीटा लिख पाओगे खुद से? मुझे लगता है लिख लोगे, ये वाला एंगल थीटा है, उधर अगर एंगल को एज्यूम किया गया थीटा तो ये वाला, अच्छा कोई इसको भी मान सकता था थीटा, तो उस हिसाब से चेंज हो जाता है एंगल, आंसर फाइनल सेम आने वाला है। ये वाला एंगल अगर थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, और कॉस थीटा का हमें जरूरत है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एक्स डिवाइडेड बाई ये वाला हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस। तो कॉस थीटा चलो इस बार लिखते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू बना हमारे पास, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही लिखे? हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए आपको मात्र कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना था, और देखो मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर एक्स आएगा और उसके अलावा फिर ये जो लिखा हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसी का तो स्क्वायर रूट यहां पर आ जाएगा। तो वो स्क्वायर रूट को मेंशन देखिए कैसे कर रहा हूं, ध्यान से, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट और उसके बाद इसी का पावर 1/2, तो दोनों आपस में कंबाइन होके ये पावर बन जाएगा 3/2, ये पावर में लिखा हुआ 3/2, साइड में यहां पर मेंशन था 2πr। अब भाई इसे इंटीग्रेट करना है आंसर तक पहुंचने के लिए, इंटीग्रेशन देखने में कठिन लग रहा है लेकिन इससे ज्यादा आसान इंटीग्रेशन अभी तक तुम नहीं किए हो, देखो कैसे, और यही इंटीग्रेशन के बारे में और भी कुछ हमें सिखा देगा यही क्वेश्चन। देखिए क्या, ये जो डिस्टेंस है x, चाहे एलिमेंट कहीं पर भी ले लिया जाए, ये डिस्टेंस x वैसे का वैसा ही है, चाहे एलिमेंट मतलब dl का लेंथ जो यहां लिए थे ना, dl का लेंथ कहीं पर भी ले लो तुम, इसमें x एज इट इज रहेगा। अच्छा dl का वैल्यू कहीं पर भी ले लिया जाए, क्या थीटा बदल जाएगा? सोचो जरा। तो जो x एक्सिस से बनने वाला एंगल है थीटा, वो चाहे de इस डायरेक्शन में ही क्यों ना हो, ये वाला एंगल मेंटेन रहेगा थीटा का, चाहे de का वेक्टर इस डायरेक्शन में ही क्यों ना हो, ये वाला एंगल थीटा मेंटेन रहेगा। तो एवरी सिंगल टाइम de मेक्स अ फिक्स्ड एंगल विद x एक्सिस, बिकॉज ऑफ विच दिस एंटायर टर्म cos थीटा हैज टू रिमेन कॉन्स्टेंट, x भी कॉन्स्टेंट है, r स्क्वायर r भी तो कॉन्स्टेंट ही है,
तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो इंटीग्रेट होना है ये डीएल का ही केवल इंटीग्रेशन है, बाकी एक्स इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर अलग से उसको इंटीग्रेशन के बाहर किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर रहे होगे डीएल के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, तो डीएल का इंटीग्रेशन किए क्या आया हमारे पास, डीएल का इंटीग्रेशन पूरे लेंथ के लिए 2πr, 2πr के साथ ये पूरी तरह से कैंसल, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर लिखते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। फाइनल आंसर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के टाइम्स कैपिटल क्यू 2πr, 2πr ये इंटीग्रल ऑफ डीएल जो कि 2πr होगा, दोनों कैंसिल हुए, क्यू एक्स भी है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। सही है, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी एक रिंग के वजह से एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग अलोंग द एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर रिंग है, ये पूरी तरह से चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ अपने पास, कैपिटल क्यू का चार्ज रेडियस आर, तो इससे एक्स डिस्टेंस के बाद इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पता चला कि ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। शुरुआत में मैं आपको ये बोला था ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई आर का वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो जाए इन कंपैरिजन टू एक्स, मतलब एक्स के कंपैरिजन में ये आर का वैल्यू बहुत कम हो जाए, आर स्क्वायर हटा दो फिर यहां से, ये बना एक्स स्क्वायर पावर, केवल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, आर स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, पावर्स 2 2 कैंसिल हुए, एक्स क्यूब बना, एक एक्स कैंसिल हुआ, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जैसा बोला था सब कुछ ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आपसे पूछा गया कुछ, और चार ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक बार यहां पर 2 लिखा हुआ है, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, कुछ भी लिखा हुआ, कभी यहां पर पावर में 3/2, कभी यहां पर आर लिख दिया गया एक्स के जगह, कभी यहां पर आर स्क्वायर लिख दिया गया एटसेट्रा, तो उस मोमेंट पर अगर आपके पास कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पड़ने वाला है या इंटीग्रेट करके आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होने वाला है अगर, तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, और इसमें कोई गलती नहीं है, आप फिजिक्स को अच्छे से समझते हो, इस वजह से इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे कि आप ये मान लेना कि एक्स, चलिए मान लेते हैं बहुत ज्यादा है आर के कंपैरिजन में, तो कूलॉम्स लॉ वाला फॉर्मूला होल्ड करना चाहिए फिर, मतलब के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए, वो 2 के साथ आ ही नहीं सकता कभी, तो डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो अगर चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन को रिजेक्ट भी कर देते हो तुम, तो भी तो सही आंसर तक पहुंच जाओगे, तो ये एक तरीका हुआ। चलिए, तो तीन पार्ट हम लोग क्वेश्चन का सॉल्व किए, लेकिन कई तरह के क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड अब सॉल्व होने चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं इधर उधर से कुछ प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन में अच्छे से पढ़ाई करें, वीडियोस की कोई कमी नहीं है, चीजों को सीखने की सिखाने वालों की कोई कमी नहीं है, बस बात यह है कि आप सिर झुका के 4-5 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लें, वो अगर हो जाएगा तो आप सबसे आगे और ऑटोमेटिकली निकल जाओगे, तो आप अननेसेसरली इधर उधर परेशान ना हो। आपको जितना आना चाहिए उतना मैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरुआती सेक्शंस में मैं आपको बता चुका हूं, आपको करना क्या है, बुकलेट के एग्जाम्पल्स को अच्छे से, इस बार नाउ सॉल्व लिख के दिया हूं, तो नाउ सॉल्व के क्वेश्चंस को आपको सिंसियरली सॉल्व करना है, उसके अलावा एग्जाम्पल्स को पढ़ोगे तभी नाउ सॉल्व कर रहे होगे, उसके अलावा आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में इन चैप्टर एक्सरसाइज अभी के क्लास के बाद इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 और 2 और 3 भी, अभी हम लोग कंप्लीट 3 में हम लोग एंटर कर चुके हैं अच्छे से, तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, 2 और 3 इतना पूरा एकदम थॉरली कंप्लीट होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है हमें, वो अभी करते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सीखने के बाद इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, 2, 3 पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। देखिए,
टॉपिक का नाम लिख दो नोटबुक में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थोड़ा सा थियरी है, क्वेश्चंस को हम लोग जो कर रहे थे उसको थोड़ी देर के लिए पॉज किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सीख जाए हम लोग और ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पा रहे होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को और ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। खैर, माना कि अगर यहां पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो इससे कुछ डिस्टेंस पर पी पॉइंट अगर इस तरह से कंसिडर कर लेता हूं, तो इस पी पॉइंट पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल डायरेक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरा एक बार याद करो क्या हुआ करता था। ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था कि अगर यहां पर कोई चार्ज रखा जाएगा तो पर यूनिट चार्ज उस चार्ज पर, रखे हुए चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो भाई यहां पर अगर कोई भी तुम चार्ज रखते हो, पॉजिटिव चार्ज अगर रखते हो, तो उस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। इसलिए कहा यह जाएगा कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही रहेगा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पी पर। माना कोई दूसरा पॉइंट है, यहां पर है वो कहीं, ये पॉइंट पी वन था सपोज, ये पॉइंट पी टू है। इस पॉइंट पी टू पर अगर चार्ज को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में है। जबकि ठीक वैसे ही अगर तुम रैंडमली यहां पर पॉइंट अगर कंसिडर कर लेते हो, नाम कुछ भी हो पॉइंट का, इस पॉइंट पर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अच्छा सोचना जरा, यहां पी वन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा या फिर ये पी थ्री वाले पॉइंट पर? तो पी थ्री वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, नजदीक है ना वो। ठीक वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें आइडिया देते हैं, आइडिया देती है कि किसी एक दिए हुए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन क्या है। सबसे फंडामेंटल बात यही है। इस बात को मेंशन करें आप नोटबुक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपिक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपिक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ड्यू टू वन और मोर चार्जेस। ये सबसे फंडामेंटल बात। अभी डेफिनेशन नहीं बताया हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है कि अलग अलग पॉइंट्स पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इस तरह के छोटे छोटे एरोज से आप रिप्रेजेंट कर दें। ठीक, अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को आप इस तरह से एरोज से रिप्रेजेंट कर दें। कितने सारे एरोज बनाइए, थ्योरेटिकली स्पीकिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरोज बनाइए। इसके जस्ट बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, इसके जस्ट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो फिर से किसी एक रीजन में आप अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को छोटे छोटे एरोज से रिप्रेजेंट करिए, स्टेप वन। उसके बाद फिर इन छोटे छोटे एरोज को आपस में ज्वाइन करने के बाद बनने वाला जो लाइन होगा, दैट लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे ही करके इधर भी निकलेगा, ऐसे ही करके इधर भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। तो आप इस बात को मेंशन कर दो कि इफ इन अ रीजन डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एरोज, इफ इन अ रीजन डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एरोज, अगर इन तमाम छोटे छोटे एरोज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो फिर then by joining these arrows we obtain electric field lines, by joining these arrows we obtain electric field lines। ठीक है, इसके बाद लिखो following are few examples। तो एक दो एग्जांपल्स मैं बनाऊंगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। सबसे इजी वाला एग्जांपल, मान लो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज मात्र है ऐसे,
तो इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है क्या होगा, कहाँ पर कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में ऐसे कितना दूर दिखाएंगे, जहां तक नोटबुक होगा वहां तक दिखा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जाना चाहिए था हमें, लेकिन भाई इतने से जगह में मैं दिखा रहा हूं। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप पहला एग्जाम्पल जरूर ड्रॉ कर दें। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से ऐसे करके चारों तरफ फैला हुआ रहता है, ठीक। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट में आपको बताया, सेकंड पार्ट आप खुद से भी इमेजिन कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, ये बन जाएगा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट को खुद से कर दो। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहां पर रखा हुआ कोई भी चार्ज उसको अट्रैक्ट किया गया होता पर यूनिट चार्ज। यहां पर अगर क्यू का चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, मान लो तुम पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर रखा गया होता तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है इस नेगेटिव चार्ज के वजह से। इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो का डायरेक्शन बस रिवर्स हो जाएगा, और इस बार नेगेटिव चार्ज के वजह से ये गलत बनाया हुआ है डायग्राम। एरोज को रिवर्स करके, बस सारे एरोज को ऐसे करके आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर सोचते हैं थर्ड पार्ट, ये एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगा, फोर्थ पार्ट आपको खुद से सोचना होगा। ये अगर कोई पॉजिटिव चार्ज दोबारा से नजदीक में इसी के विसिनिटी में रखा हुआ, ये एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज, अ पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये। तो पॉजिटिव चार्ज और दोनों का ही मैग्नीट्यूड मान रहा हूं मैं शुरुआत में सिंप्लिसिटी के लिए कि इक्वल है। ये एक रेफरेंस लाइन है, इस लाइन का हम लोग यूज करेंगे डायग्राम बनाने के लिए। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे दिखाया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हुआ करती थी इस चार्ज के वजह से, ठीक। ये चार्ज नंबर वन है, इस चार्ज नंबर वन के वजह से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके चारों तरफ फैली हुई। लेकिन अब क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए अगर तुम केवल एक ही चार्ज का यूज करते हो तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस चार्ज का भी यूज कर रहे हो अब, तो सेकेंड वाले चार्ज का भी यूज अगर करते हो तुम, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ सेकेंड वाले की वजह से वो इस तरफ होगा। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर वन के वजह से देखेंगे कि टू के वजह से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता करने के लिए आप जितने चार्जेस मौजूद हैं विसिनिटी में, अगल बगल जितने चार्जेस मौजूद हैं सभी का इस्तेमाल करते हैं। आप न तो ये देखेंगे न तो ये देखेंगे डायरेक्शन में, आप इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन को देख रहे होंगे, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन भाई ऐसे करके आने वाला है कहीं। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन से पता चला ये बात। खैर, फिर से अगर ये चार्ज नहीं है तो इस फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके, अगर ये चार्ज मौजूद है तो आया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ हुआ करता था, अब की बार वो ऐसे थोड़ा सा तो टर्न ले लेगा कि नहीं, कौन, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था सिर्फ इस चार्ज के वजह से, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा क्योंकि ये एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे रहा होगा। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर तुम यहां पर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज नंबर वन के वजह से ऐसे, लेकिन इसके वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा ये। तो ये सब रफ डायग्राम था चीजों को अच्छे से समझने के लिए। अच्छा, जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा क्योंकि सिमेट्री है यहां पर। तो फाइनल बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके टर्न ले लेता है, यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके टर्न ले लेगा। ये पहले स्ट्रेट हुआ करता था ऊपर, लेकिन इसके प्रेजेंस के वजह से इस डायरेक्शन में ये टर्न ले लेगा, ये ऐसे टर्न ले लेगा। ये गलत बनाया हुआ है, स्ट्रेट नहीं हो सकता अब की बार, ये ऐसे करके टर्न ले लेगा। यहां पर जो स्ट्रेट ऐसे जाया करता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो अब ऐसे करके जाएगा। यहां पर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके जाएगा,
अच्छा, जैसा चार्ज ये है वैसा ही चार्ज ये भी तो है, तो जो सिचुएशन यहाँ था वही सिचुएशन इस जगह पर मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, यानी कि ऐसा कुछ डायग्राम। अच्छा, ये नीचे जाके झुक जाएगा क्या? झुकेगा कभी नहीं, ये सोचा जा सकता है अच्छे से। इनफैक्ट ये कभी पैरेलल भी नहीं होगा इस लाइन के, पैराबोलिक शेप के लगभग जैसा, और यहाँ पर ऐसे। तो आप कोशिश करिएगा कि सिमेट्रिक डायग्राम बनाएं, बुकलेट में एकदम अच्छे से डायग्राम्स को बना के दे दिया गया है। तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के वजह से हम लोग थोड़ा सा सोचे पहले कि किस तरह का होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उसके बाद फिर इमेजिन कर लिए। तुम खुद सोचो, सेंटर पर अगर सोचें, यहाँ पर सेंटर पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर सोचा कि किस डायरेक्शन में, तो तुम देखना इस फर्स्ट वाले चार्ज के वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। इस चार्ज मात्र के वजह से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का ही रिजल्टेंट ऊपर की तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट चूंकि ऊपर की तरफ, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखेंगे आप, तो ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होना है। तो हमने देखा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का एक पेयर रहेगा, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अच्छा जैसा ऊपर रहेगा वैसा ही नीचे भी होना ही चाहिए, ऐसे करके दिखा देना। चलिए नेक्स्ट पार्ट है थर्ड वाला, आपको खुद से ट्राई करना है इसे। एक बार पॉजिटिव यहां पर ले लो, एक बार यहां पर नेगेटिव ले लो। अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, उनके वजह से मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक बार कोशिश करो खुद से ड्रॉ करने का। नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे तो ये बहुत बुरी बात है। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लिया। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों चार्ज, अच्छा मैग्नीट्यूड सेम, क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, तो इन दोनों के वजह से मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उसके बारे में हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी देखो पहले रफ डायग्राम है ये कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज नंबर वन के वजह से किस डायरेक्शन में हुआ करता था, तो सिर्फ चार्ज नंबर वन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता था, लेकिन इस चार्ज के मौजूदगी में ये वाले पॉइंट पर मौजूद रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले इस तरफ हुआ करता था, अब ये नेगेटिव चार्ज अपने तरफ भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा, और सिर्फ ये नहीं गिना जाएगा, सिर्फ ये नहीं गिना जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट गिना जाएगा, रिजल्टेंट ऐसे करके आ सकता है। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रफ डायग्राम है ये समझने के लिए केवल। तो कहने का मतलब पिछले बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हुआ करता था, देखने में ऐसा लग रहा था कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज लाके यहां पर रखो, ये सब के सब अपना मुंह मोड़ लेंगे उस वाले पॉजिटिव चार्ज से। ये सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पहले इधर हुआ करते थे वो ऐसे टर्न लेके उससे दूर के तरफ टर्न ले लेंगे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंस में इसी नेगेटिव चार्ज के वजह तरफ झुकाव हो जा रहा है कि नहीं ऐसा? तो अगर नहीं बनाए हुए हो तो अभी भी बना लो, गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन नहीं बनाए हो तो प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के वजह से सबसे पहले सेंटर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके ही होगा, क्योंकि इन सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, होना तय है। इसके अलावा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पहले ऐसे हुआ करता था, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये टर्न लेके ऐसे इसी में चला जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हुआ करता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे टर्न लेके यहां पर आ जाएगा। आई होप आपने सही बनाया। ठीक, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके जाएगा, जगह नहीं है, अगर जगह होता तो टर्न होके यहां पर आते हुए मैं दिखाता उसे ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होते चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज के तरफ आते चला जाएगा, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे।
ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के पेयर के वजह से। देखो याद रखने का एकदम सिंपल तरीका कि पॉजिटिव चार्ज से तुम ऐसे मानो जैसे कि बचपन में सीनरी में बनाते थे ना, सूरज है चारों तरफ ऐसे करके लाइट रेज निकल रही है, डायग्राम वैसा ही याद रखो, पॉजिटिव चार्ज है चारों तरफ ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से निकलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो सब के सब उधर टर्न ले लेंगे दूर के तरफ, और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो सब के सब जो सीधी निकलने वाली लाइंस थी उनको अपने पास ये बुला लेगा। ठीक, तो ऐसे याद रखा जा सकता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डिस्ट्रीब्यूशन को। अच्छा अब यहां पर देखो और क्या है ऑब्जर्व करने के लिए कि एकदम नजदीक में देखेंगे, एकदम नजदीक में अगर देखें यहां पर पॉजिटिव चार्ज के एकदम नजदीक में अगर देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज के कोई इफेक्ट्स नजर नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसके एकदम नजदीक देखेंगे तो इसी के विसिनिटी में है हम लोग मात्र, तो ऐसे करके स्ट्रेट लाइंस में निकलनी चाहिए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर बिल्कुल एकदम नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सच में ऐसे करके निकल रहे होंगे स्ट्रेट, यहां पर शुरुआत तो होगा बिल्कुल स्ट्रेट निकलना, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका इफेक्ट भी गिनाने लगेगा, तो इस तरह से टर्न ले लिया ये। अच्छा इस नेगेटिव चार्ज के एकदम नजदीक जाके तुम देखो तो तुमको मात्र इस नेगेटिव चार्ज का ही इफेक्ट नजर आएगा, चारों तरफ से स्फेरिकली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, स्फेरिकली सर्कुलरली नहीं मतलब 3D में है, ये पॉजिटिव चार्ज से ऐसे निकला और ऐसे करके गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये 3 dimensions में है। तो इतना मैं बताया आपको, इसके आगे आपको बुकलेट से ही पढ़ के चीजों को समझना है अच्छे से, और इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 तक एकदम अच्छे से कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट वीडियो अब फुल स्पीड में आ रहा होगा तेजी से, तो आप मतलब अभी तक जो की है रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा था कि कौन सा मेथड सही रहेगा वीडियो देने के लिए, अब सब कुछ वेल सेटल्ड है, अब तेजी से लगातार वीडियोस आ रहे होंगे। इस क्लास के बाद सभी इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 तक एक दिन में, ठीक एक दिन में कंप्लीट करना है तो करना है उसको, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है हम लोगों का, तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, अपने आप को बेस्ट पर रखिए अपने, और इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 तक, हाँ उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जो कि मिस किया हुआ है, लेकिन आपको सारी चीजें थ्योरी में लिखी हुई या फिर एग्जांपल्स में सॉल्व करते करते समझ में आ ही जाएंगी। रही बात एनसीईआरटी बुक की, तो एनसीईआरटी बुक में आपको सेक्शन 1.9 तक एकदम अच्छे से थोरोली पढ़ लेना है, सेक्शन 1.9 तक। 1.5 में दिया हुआ है चार्जेस, उसके बाद आता है कूलॉम्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एटसेट्रा, तो आप सेक्शन 1.9 तक थोरोली एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर ही और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए जरूरी है कि आप बेसिक क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं होता कि एक अच्छे क्वेश्चन है और एक खराब क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको कंसेप्ट को सिखाता है, और दूसरा सेट ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो कि आप जितना सीखे उसको टेस्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग टेस्ट करने वाला काम अभी तक नहीं किए हैं, अभी तक हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को किए हैं जो आपको कुछ सिखा सके, किस तरह से क्या मेथड्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को कैलकुलेट करने का, वो अभी तक हम लोग सीखे हैं, तो आप उनका यूज करके प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। कहाँ से करना है मैं रिपीटेडली बता चुका हूँ आपको, थियोरी को कहाँ से एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, एनसीईआरटी बुक इंटरनेट पर अवेलेबल है, एनसीईआरटी बुक के सेक्शन 1.9 तक थोरोली सभी पढ़ लें, और अगले क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा, जिनके पास एचसीवी बुक है वो एचसीवी बुक को करने के लिए मैं बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक कर लेना है आपको, उसके अलावा एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस में कहाँ से कहाँ तक आपको कर लेना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई कर लेना है, और बुकलेट में कहाँ से कहाँ तक एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए। अभी इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 पूरा कंप्लीट चाहिए, अगले क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी शुरू कर देंगे। ऑल राइट देन, ऑल द बेस्ट।